John Wick, the man, the myth, the legend. You're not very good at retiring. I'm working on it. किस लोकेशन से शुरू की जाएगी आगे की कहानी? क्या जॉन विक 4 के बाद एक अगला पार्ट भी बनाया जाएगा? कब और कहां होगी जॉन विक चैप्टर 4 की फिल्मिंग? जब कीनू रीव्स ने पहली बार 2014 में जॉन विक के साथ एक्शन जॉनर में वापसी की तो किसी को पता नहीं था कि ये एक सीरीज बन जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है निधि ठाकुर और स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन विक चैप्टर 4 की रिलीज डेट, प्लॉट, स्टार कास्ट और भी कई इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में। तो अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में ऐसे ही तमाम सवालों के जवाबों को जानने के लिए। जॉन विक चैप्टर 3 पैराबेलम के थिएटर्स में आने के बाद ही लायंस गेट ने अनाउंसमेंट की थी कि एक चौथी फिल्म पहले से ही हॉरिजॉन पर है, जिसमें रीव्स टाइटल रोल में वापस आ गए थे। आपको बता दें, इस स्टंटमैन टर्न फिल्म मेकर चैड एक बार फिर से फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए वापस लौट रहे थे और माइक फिंच स्क्रिप्ट के सभी कामों को संभालने के लिए। हालांकि कोविड-19 पैंडेमिक ने रिलीज की डेट को एक साल पीछे धकेल दिया, लेकिन अब हम जल्द से जॉन विक चैप्टर 4 को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। जॉन विक चैप्टर 4 मूल रूप से 21 मई 2021 को थिएटर्स में हिट होने के लिए फिक्स की गई थी, लेकिन कोविड-19 के चलते साथ ही रीव्स की स्केड्यूलिंग स्ट्रगल के साथ फिल्म की रिलीज को एक साल पीछे बढ़ाकर 27 मई कर दिया गया था और अभी भी हम वही हैं, यानी कि फिल्म की रिलीज डेट 27 मई 2022 होगी। रीव्स ने टाइटैनिक हिटमैन के रूप में लौटने के अलावा टेहल्सकी ने भी हाल ही में कंफर्म किया कि मैक्शीन भी अपनी चौथी जॉन विक के लिए वापसी करेंगे। आपको बता दें, जॉन विक चैप्टर 4 मुख्य रूप से न्यूयॉर्क सिटी से बाहर काम करेगा और ज्यादातर बर्लिन और पेरिस में फिल्मिंग करेंगे। इसके अलावा हमें पता चला है कि लायंस गेट की जॉन विक 4 और जॉन विक 5 को बैक टू बैक शूट करने की ओरिजिनल प्लानिंग कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण रुक गई थी और गर्मियों के अंत तक केवल जॉन विक 4 ही हमारे कैन में होगा। वहीं अगर हम बात करें फिल्म में कंफर्म कैरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपको बता दें कीनू रीव्स जाहिर तौर पर जॉन विक शीर्षक भूमिका निभाएंगे, एक हत्यारा जो एक सूट से बाहर निकलता है और आपको मृत बनाने के लगभग 10,000 तरीके जानता है। मैक्शीन न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल के मालिक विंस्टन की भूमिका को निभा रहे हैं, जिसे हमने आखिरी बार जॉन विक को सीने में गोली मारकर धोखा देते हुए देखा था। स्टेहल्सकी ने कहा है कि उन्हें अभी भी लगता है कि विल्सन के इरादे व्याख्या के लिए तैयार है। सभी चीजों की बात करते हुए सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि फिल्म का प्लॉट क्या होने वाला है। तो आपको बता दें कि जॉन विक चैप्टर 4 के लिए अभी तक कोई आधिकारिक साजिश सारांश नहीं है। इस बात पर टीम ने अभी तक कोई भी खुलासा नहीं किया है कि फिल्म को किस तरह से नया मोड़ दिया जाएगा। आपको इस बारे में क्या लगता है, मूवी कौन सा नया मोड़ लेने को तैयार है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।